क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। रायपुर में चार दिवसीय दौरे पर भाजपा प्रभारी ओम माथुर, भाजपा प्रभारी करेंगे कार्यकर्ताओं से मुलाकात। जसपुर में शिक्षा अधिकारी ने लिया बड़ा एक्शन, शराबी शिक्षक के खिलाफ दर्ज होगी FIR। कोरबा में 6 किलो का गांजा किया गया जब्त, एक आरोपी का भी किया गया गिरफ्तार। भिलाई में पुलिस ने किया 4 चोरों को गिरफ्तार, सूने मकानों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। कोरिया में फ्रेंचाइजी देने के नाम पर हुई ठगी, पुलिस ने किया 2 युवकों को गिरफ्तार। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़। तो शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ। भिलाई में आए दिन सूने मकानों में चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक मामले में सुपेला थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पहले किसी न किसी बहाने इलाके की रेकी करते थे, फिर सूने मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। तो वहीं पुलिस ने संदिग्धों पर लगातार नजर रखकर और CCTV फुटेजों की मदद से आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। जसपुर जिले के सरकारी स्कूलों में शराबी शिक्षकों के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपना लिया है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सभी शिक्षकों से शराब को सेवन कर स्कूल नहीं आने के लिए घोषणा पत्र देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसका उल्लंघन करने वाले शिक्षकों के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR कराने की चेतावनी भी दी है। हमारे शिक्षक, वृत्त एवं अन्य कार्यालयीन कर्मचारी जो है वो मद्यपान करके विद्यालय परिसर में प्रवेश करते हैं एवं वहाँ के वातावरण को दूषित कर रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतें लगातार हमें प्राप्त हो रही हैं। तो इस संबंध में जिला कार्यालय की ओर से बहुत ही सख्त कदम उठाए जाएंगे और साथ ही जैसे जैसे हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हम सख्त कदम उठाते भी जा रहे हैं। हम तत्काल जाँच की कार्रवाई भी कर रहे हैं, साथ ही सिविल सेवा आचरण संहिता का जो नियम है, नियम 23, सिविल सेवा आचरण संहिता 1965 का नियम 23, उसके अधीन पूरी कार्यवाही की जाएगी। जसपुर के कुनकुरी जसपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, तो वहीं हादसे में 2 की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि कुनकुरी से जसपुर जा रहे बैंक कर्मचारी की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ये हादसा हो गया। पूरा मामला जसपुर के दुलदुला थाना क्षेत्र का है। कोरिया में क्रोकोडाइल कंपनी की फर्जी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 2 युवकों ने बैकुंठपुर में 63,000 की ठगी कर ली। तो वहीं ठगी करने वालों 2 आरोपियों को बैकुंठपुर सिटी कोतवाली पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2 आरोपी कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस मामले में टावर लोकेशन के आधार पर यह पता चला कि जो आरोपी गण है वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। इसमें तत्काल 16 तारीख को टीम बना करके भेजी गई और इन आरोपियों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार करके लाया गया। बाद में इनसे पूछताछ की गई, इन्होंने अपना जो जुर्म है वो कबूल किया है। इसमें 2 आरोपी सौरभ चोपड़ा और स्वतंत्र कुमार शुक्ला, ये दोनों उत्तर प्रदेश कानपुर के रहने वाले हैं। नव
नवनियुक्त भाजपा प्रभारी ओम माथुर 4 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जहां भाजपा प्रभारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बता दें कि ओम माथुर राष्ट्रीय स्तर पर कद्दावर भाजपा नेता की पहचान रखते हैं, तो वही ओम माथुर छत्तीसगढ़ से पहले राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। खबर रतनपुर से है, जहां पुलिस चोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते पुलिस ने एक ही रात में अलग अलग घरों में चोरी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर कड़ी कार्रवाई की है। और पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 मोबाइल फोन के साथ सोने व चांदी का सामान भी बरामद किया है। कोरबा में पुलिस ने 24,000 की कीमत का गांजा पकड़ा, तो वहीं इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 6 किलो गांजा मिला है, जिसके बाद पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। खबर जसपुर से है, जहां जिले में 40 हाथियों के दलों ने लगभग 40 से 50 किसानों की धान की फसलों को बर्बाद कर दिया, जिसके देखते हुए वन विभाग ने भारी अलर्ट जारी किया है। वही भारी संख्या में हाथियों के दलों को देख गांव वाले भी काफी दहशत का माहौल है। सरगुजा सहित उत्तर छत्तीसगढ़ में बर्फीली हवाओं के असर के साथ गुरजीहा ठंड के तेवर की शुरुआत हो गई है। सरगुजा के प्रमुख पर्यटन स्थल में मेन पार्ट में जमाव हिंदू पर पारा के पहुंच जाने से ओस की बूंद जम गई है। मौसम विभाग के मुताबिक न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज किया गया है। मेन पार्ट के लोगों ने ओस की परतें देखी और ये तस्वीरें मोबाइल पर कैद कर ली। बलरामपुर जिला के कुसमी समरी पार्ट में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। संभाग के कोरिया जिले में न्यूनतम तापमान 1.8 और बलरामपुर में कड़ाके की ठंड पड़ी है। प्राइम छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।